गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? आप बेटा रिटर्न वर्क भी अपना करते रहिए, साथ में ओरल वर्क भी करते रहिए, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज आपको पता है क्या पढ़ने वाले हो? आज आपको मैं डोमेस्टिक एनिमल्स थीम पढ़ाएंगी। आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? हाँ, पालतू जानवर जो पाले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? DOMES। आपको तो आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? डोमेस्टिक एनिमल, DOMESTIC। में सबसे फर्स्ट नेम क्या लिखेंगे? चलिए बताइए। सबसे पहले COW क्या है? COW काउ। काउ मीन्स क्या होता है? काउ मीन्स क्या होता है? काउ मीन्स गाय। मैं इसलिए दो चीजें आपको बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आप बहुत छोटे हो, आपको हर चीज का मतलब नहीं पता, इसलिए मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ कि किसके मीन्स क्या होता है। ठीक, आपका इस पहले हम ये ओनली नेम लर्न करेंगे, वो भी इंग्लिश में नेम आपको लर्न करने हैं उसका। लेकिन जब आप लर्न करो तो उसका मीन्स भी पता होना जरूरी होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपसे मैं पूछूंगी बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स नेम सुनाइए। अब मैं किसी दिन आप लोगों का लाइव क्लास में टेस्ट लेने वाली हूँ, देखती हूँ आप लोगों ने कितनी चीजें लर्न करी। अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ाया है? अभी तक मैं आपको फ्रूट्स नेम पढ़ा चुकी हूँ, वेजिटेबल्स नेम पढ़ाया है, आज डोमेस्टिक एनिमल्स नेम रीड करा रहे हैं। तो बच्चों आपको मैं आपसे किसी टाइम पूछ सुनूंगी, आपको बताना होगा। जब मैं आपसे पूछूंगी बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स नेम बताइए, कौन कौन से हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, तो आप कैसे बताएंगे? काउ, डॉग, कैट, हॉर्स, टर्की, रैबिट। एक तो इस तरह से फिंगर से काउंट करने से आपको काउंटिंग आ जाती है, और क्या होता है, आप नंबर बाई नंबर लर्न कर लेते हो, आप भूलते नहीं हो। ठीक, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? काउ, देखिए वन नंबर पे काउ, टू नंबर पे डॉग, थ्री नंबर पे कैट, फोर नंबर पे हॉर्स, फाइव नंबर पे
कैसे लर्न करेंगे? काऊ, डॉग, कैट, हॉर्स, चिड़ी एंड रैबिट। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स नेम है। नर्सरी क्लास के बच्चों आपको इसे लर्न करना है, ठीक है? आपको ओनली नेम लर्न करना है, आपको स्पेलिंग नहीं याद करनी है, ठीक है बेटा? आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय बेटा।